अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू अमल। आज हम आपको मुजाहिद आज़ादी, शहीद वतन मौलवी सैयद अलाउद्दीन से वाकिफ़ करवाते हैं। आपका ताल्लुक़ नलगुंडे से था, आप मक्का मस्जिद के इमाम व ख़तीब थे। आपने अंडमान निकोबार के काला पानी में तकरीबन 28 साल गुजारे और आखिरी सांस वहीं ली। आपको ये एजाज़ हासिल है कि काला पानी की सज़ा काटने वाले पहले मुस्लिम मुजाहिद आज़ादी थे। आज हम आपको मुजाहिद आज़ादी, शहीद वतन मौलवी सैयद अलाउद्दीन से वाकिफ़ करवाते हैं। ये जंग आज़ादी के एक गुमनाम मुजाहिद है। हैदराबाद दक्कन के इस जयाले सपूत को, जिसने हिंदुस्तानी सिपाहियों को अंग्रेज़ों के क़ैद से छुड़ाने के लिए अपने ही साथी जमेदार तुर्रेबाज खान और दिगर 300 जयालों के हमरा ब्रिटिश रेसिडेंसी हैदराबाद, जो कोठी में है, हल्ला बोल दिया था और फिर आखिरी सांस तक काले पानी की सज़ा काटी। आपका ताल्लुक ज़िले नलगुंडे के एक छोटे से गांव से था। वो एक जय्यद और बाअसर आलिम दीन थे। 1857 की बात है, अंग्रेज़ों ने मुनाफिकीन और अपने ही गद्दारों की मदद से चीदा खान को गिरफ्तार कर लिया था। ब्रिटिश रेजिडेंसी कोठी, जो बाद में वुमेंस कॉलेज में तब्दील हो चुकी है, तकरीबन 500 कैदियों को रखकर अंग्रेज़ फ़ौज सख्त अजियतें दे रही थी। ऐसे में मिल्ली और कौमी हमियत रखने वाले तुर्रेबाज खान, मौलवी सैयद अलाउद्दीन और दिगर 3 उलमाए दीन ने शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में मुस्लिम जांबाजों का एक इज्तिमा किया, जिसमें कम से कम 300 सरफरोशों ने हिंदुस्तानी कैदियों की रिहाई दिलाने के लिए एक अहदनामे पर दस्तखत की और ये फैसला किया कि मुजाहिदीन आज़ादी को रिहा करवाने अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। और ये तय किया कि सईदाबाद ईदगाह से और चादर घाट की जानिब से ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला करेंगे और प्रोग्राम के मुताबिक हमला भी कर दिया, जिसके साथ ही अंग्रेज़ों ने फायरिंग कर दी और तोपों का इस्तेमाल किया। बताया जाता है कि 30 लोग शहीद हो गए और तुर्रेबाज खां को इंतहाई नाजुक हालत में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। दूसरी तरफ मौलवी सैयद अलाउद्दीन गोली लगने के बावजूद वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। बाद में मंगलापल्ली से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और रेसिडेंट कोर्ट हैदराबाद ने इन्हें सजाए उम्र कैद की सुनाई और काला पानी भेज देने का हुक्म दिया। इस तरह मौलवी सैयद अलाउद्दीन को काला पानी का पहला और वहां उम्र कैद काटने वाले मुजाहिद हिंद का एजाज हासिल हुआ और आप जेल में सख्त बीमार हो गए थे। अंग्रेज़ आपसे बहुत मुतासिर हो गए थे। आपके अखलाक और इबादत से बे इंतहा मुतासिर होने के बाद वो चाहते थे कि वो आखिरी सांस हैदराबाद में गुजारे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमारे शहर के सेकुलर और इंसानियत नवाज शख्सियतें कैप्टन पांडू रंगारेड्डी साहब ने 2005 से मुसलसिल कोशिश कर रही है कि आपका मुजस्मा पार्लियामेंट में लगाए। आपने 12 मरतबा हुकूमत हिंद को ख़त लिखा, मुजाहिद आज़ादी मौलवी अलाउद्दीन को फरामोश न करें। वो आज भी मौलवी अलाउद्दीन मुजाहिद आज़ादी को इनका हक दिलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा खौफ था तो मुस्लिम उलमाए दीन से था। ये वही थी, जब कोई आलिम या उलमा बगावत के जुर्म में पकड़े जाते तो इन्हें फौरी सूली पर चढ़ा दिया जाता या तोप के मुंह पर रख कर उड़ा दिया जाता। तेलंगाना हुकूमत, ख़ास तौर पर CM KCR साहब को चाहिए कि मौलवी अलाउद्दीन की याद में तेलंगाना में, क्योंकि आपका ताल्लुक नलगुंडे से था, कुछ यादगार बनाएं, जैसे हॉस्पिटल्स के नाम या स्कूल कॉलेज कायम करें। अबू अमल।